गुस्सा बहुत आता है, तो वो कैसा कंट्रोल हो सकता है? उसके कारण देखो, किस कारण से हमें क्रोध आता है, अभी कहाँ गुस्सा आता है? आप अच्छी तरह बात करते हो, गुस्सा नहीं आता आपको? आर्ग्यू के टाइम में, हाँ, तो कोई हमारा अपमान करेगा तब हमें गुस्सा आ जाता है, हमारा इंसल्ट करने तब गुस्सा आ जाता है, हमारी मनमानी नहीं हो पाई तो गुस्सा आ जाता है, हमारी बात कोई समझ नहीं पाता और आर्ग्यूमेंट करते रहता है तो हमें गुस्सा आता है। तो हमें क्रोध आने का कारण को सॉल्यूशन करना है। आप क्या बोलते हो, क्रोध आता है, क्रोध हो जाता है, आप करते नहीं, हो जाता है। जैसे पंखा हमें बंद करना है तो क्या करना चाहिए, टेबल के ऊपर, टेबल रख के ऊपर चढ़ के बंद कर सकते हो? तो नहीं, उसकी स्विच देखनी चाहिए कहाँ है, रेगुलेटर घुमाओ या स्विच ऑफ करो। तो यहाँ भी क्रोध के कारण क्या है, हमारा अपमान हुआ, अभी हमें मान देता है तो क्रोध नहीं आएगा, हमारी बात रिसीव करेगा और खुशी से एक्सेप्ट करेगा और हेल्प कर बोलेगा, नहीं आप बहुत अच्छा बताते हैं, तो क्रोध नहीं आता है। हमारी मनमानी नहीं हो गई तो क्रोध आता है, मनमानी होते गए तो क्रोध नहीं आता है। तो ये हमें समझना चाहिए। अभी आप ही क्रोध नहीं करना चाहते तो भी हो जाता है कि नहीं? तो हमारे मन वाणी शरीर हमारे काबू में नहीं है, तो सामने वाला का मन वाणी का हमारे काबू में कैसे रह सकता है? और आपके साथ किसी ने क्रोध से बात किया, ए तेरे में अक्कल नहीं, इतना करो, तो आप जल्दी करोगे कि आपको प्रेम से समझाया तो जल्दी करोगे? प्रेम से समझाया तो हमें भी समझना चाहिए कि भाई हम सामने वाले से क्रोध से काम लेंगे तो उसको दुख हो जाएगा, उसके साथ प्रेम से बात करो, कन्विंस करो, एक्सप्लेन करो, समझा के बात करो, तो आपको भी क्रोध नहीं आएगा और सामने वाला आपकी बात समझ के काम में हेल्प कर सकता है। हमें यानी मूल कारण, ये तीन मूल कारण है, एक तो हमारी मनमानी नहीं हो गई, या हमारी बात सामान्य वाला समझ नहीं पाता है, या हमारा अपमान हो गया, और उससे आगे की बात है अज्ञानता से सब क्रोध मान मायल उत्पन्न हो जाते हैं। बाजू के रूम में आपको बोले, आपकी बात कर रहे भाई स्वराज जो तो ऐसा आदमी है, ऐसा आदमी है, इसको ये करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो आपको कितना गुस्सा आ जाएगा। और लास्ट में एक ही बात सुना, वो तो भाई कलकत्ता वाला स्वराज है, मैं नहीं, तो फिर क्रोध हो जाएगा एक सेकंड में, 103 डिग्री वाला गर्म हो गया, 0 डिग्री हो जाएगा, वो दूसरा कोई लगता है, मेरी बात नहीं है। तो यहाँ अज्ञानता से क्रोध ये स्वराज को होता है, शुद्धात्मा को नहीं होता है। और सामने वाला अपमान करता है तो स्वराज्य का करता है, आपका नहीं करता है, मेरी अज्ञानता से ही मेरा अपमान हो गया तो क्रोध हो जाता है, मगर मैं जुदा हूँ, जिसका अपमान होता है मैं नहीं, और मैंने जो गुनाह किया उसका दंड है, किसी का दोष नहीं है, निर्दोष दिखेगा सामने वाला तो क्रोध नहीं हो जाएगा। यानी ज्ञान से क्रोध सब खत्म हो सकता है।